राशि वालों, आज मैं आपको ऐसी जानकारी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप न केवल प्रसन्न होंगे किंतु खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ, 15 जून से 16 जुलाई के बीच में बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है, क्योंकि 15 जून से सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। दोस्तों, मई महीने में मैंने भविष्यवाणी की थी कि शनि ग्रह के वक्री होने से कोरोना वायरस का असर कम होता जाएगा और यह भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है। दोस्तों, आज एक और बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ, क्योंकि जून महीने में मिथुन, कर्क और कुंभ राशि में बड़ी हलचल होने जा रही है। 2 जून को मंगल का गोचर हो चुका है, तो मकर राशि में शनिदेव के वक्री होने के बाद 3 जून से बुध ग्रह 50 दिनों तक वक्री अवस्था में उल्टी चाल चल रहे है, तो वही 20 जून से गुरु ग्रह भी वक्री होने जा रहे है, जहाँ इन स्थितियों के कारण वायुयान की दुर्घटनाएं होगी, तो आंधी, तूफान और विस्फोट की घटनाएं घटित होगी। भारी बारिश के कारण जानमान का नुकसान भी होगा, किंतु कन्या राशि वालों, सबसे बड़ा असर आपकी राशि पर होने जा रहा है, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्यदेव 15 जून को शुक्र के स्वामित्व वाली राशि वृषभ को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, 15 जून को सुबह 5:50 पर सूर्य का मिथुन राशि में गोचर होगा और यह गोचर महत्वपूर्ण इसलिए होने जा रहा है क्योंकि इस दिन कुमार योग, दग्ध योग और रवि योग भी बन रहा है और उसी दिन से मिथुन संक्रांति का भी आरंभ हो जाएगा। कन्या राशि वालों, सौर मंडल के राजा सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में मोक्ष भाव एवं विदेश भाव के लोड होकर कर्म भाव, व्यापार भाव में स्थित है, तो उनकी पूर्ण दृष्टि दैनिक व्यवसाय के भाव में प्रेम सुख के भवन पर पड़ रही है, जिसके कारण 15 जून से 16 जुलाई के बीच क्या बदलाव होने जा रहे है, क्या आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है, सूर्य का गोचर कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। कन्या राशि वालों, सूर्य का गोचर आपके दशम भवन में हो रहा है, यानी कि कर्म भवन, व्यापार भवन में हो रहा है, जिसके कारण इस समय में आप लंबे समय से जिन उपलब्धियों को हासिल करने के लिए प्रयत्नशील है वह उपलब्धियां प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र, व्यवसाय से लाभ मिलेगा, सरकारी क्षेत्रों से भी आप लाभ की उम्मीद रख पाएंगे। खासकर जो इस समय मार्केटिंग, लेखन, सेल्स, रियल एस्टेट, ब्रोकर एवं कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वह उम्मीद से ज्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। आप लिखकर रख सकते हैं कि दशम भवन में सूर्य का गोचर करियर में जबरदस्त लाभ प्रदान करेगा, लाभ कमाने के महत्वपूर्ण अवसर दिलाएगा, तो वही समय आप तेज तरार दिमाग के चलते महत्वपूर्ण कार्यों को भी कर पाएंगे जो आसानी से नहीं होते हैं। कन्या राशि वालों, दशम भवन में सूर्य आपको धनवान, उत्साहित, योगी, प्रतापी, पराक्रमी, बलवान, स्वाभिमानी एवं अनायास संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला भी बनता है। यहाँ तक पुत्र की पत्नी, माता या पुत्री के पति से भी धन दिलाता है। आप मान के चलिए जो बेरोजगार जातक रोजगार के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, आप खूब लाभ कमाएंगे। समाज में एक ओर जहां आपकी ख्याति प्राप्त होगी, तो दूसरी ओर जो नौकरी के लिए परेशान है, भटक रहे हैं, योग्यता के बावजूद भी कहीं पर भी आवेदन स्वीकार नहीं हो रहे हैं, उन्हें निश्चित तौर पर नौकरी मिलेगी, कार्य करने का मौका भी मिलेगा। यहाँ तक 16 जुलाई से पहले एक धन का ऐसा जरिया भी मिलेगा जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। जी हाँ, इस समय हर फैसले आपके पक्ष में रह सकते हैं। लोन लिया था तो वह कर चुकता कर पाएंगे, लोन के दिए आवेदन मंजूर होगे, तो जमीन, मकान या फिर प्रॉपर्टी में निवेश किया था वहां से भी थोड़े ही समय में लाभ मिलेगा, हर तरफ से लाभ के अवसर मिलते रहेंगे। तो दूसरी ओर सूर्य का गोचर इस दौरान आपको उचित जगह पर तबादला करेगा, सरकारी भवन या वाहन मिल सकता है, तो वही विवाहित जीवन में जो बाधाएं चल रही थी वह बाधाएं दूर होगी। कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे, खासकर जो जातक प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं या फिर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर जॉब इंटरव्यू के लिए प्रयत्नशील है, उनको बड़ी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि इस समय सफलता के योग बन रहे हैं और सूर्य अपनी द्विपाद दृष्टि से धन भवन में दृष्टि कर रहा है, जिसके चलते आपको मेहनत का फल मिलेगा, परिश्रम के फल के चलते इस दौरान आप नए उद्यम स्थापित करेंगे, कारोबार के लिए भी यह गोचर शुभ रहेगा। यदि आप अपने कारोबार फैलाना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं, तो यह समय मौका देगा, बंद पड़े व्यवसाय पुनः शुरू होंगे, मंदी के माहौल के बावजूद कोरोना वायरस का असर खत्म होने से आपको धन मिलेगा, खरीद बिक्री बढ़ेगी, जिसका लाभ आपको व्यापार पर देखने को मिलेगा। खासकर इस समय सूर्य आपके प्रतिस्पर्धियों को परास्त करेगा, आपके विरोधी, आपके शत्रु चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हालांकि 15 जून से 16 जुलाई के बीच आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देनी रहेगी। कन्या राशि वालों, सूर्य ग्रह न केवल सत्ता, पद, प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है, किंतु संतान का कारक है और विद्यार्थियों को भी पढ़ाई में अव्वल परिणाम दिलाता है, तो इसके चलते संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जहां एक ओर माता पिता के स्वास्थ्य के कारण आप चिंतित रहेंगे, तो दूसरी ओर अपनी संपत्ति बेचना चाहते है उन्हें अवसर मिलेंगे, पुरानी प्रॉपर्टी, जमीन, मकान की बिक्री होगी, बंटवारा होगा और आपको अपना पूर्ण हिस्सा मिलेगा, जिसके कारण 15 जून से आप अपना खुद का कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। सूर्य का परिवर्तन आपकी आर्थिक स्थिति को जबरदस्त मजबूती प्रदान करेगा, तो वही आप धन संचय करने में भी सफल रहेंगे। सबसे बड़ा लाभ सूर्य इस समय प्रेम जीवन को लेकर प्रदान करेगा।
जहां यह समय में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपके संबंध बनेंगे जो भविष्य में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। साथ में जो जातक विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे, धन कमाने का सपना देख रहे हैं, तो आपका सपना पूरा हो सकता है। और इतना ही नहीं, इस समय में आपके संबंध उच्च अधिकारियों से बनेंगे जिसका लाभ भी आपको मिलेगा। तो वही स्थान में परिवर्तन एवं उच्च अधिकार वाला पद भी आपको पुरस्कार के रूप में मिलेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर न केवल नौकरी दिलाता है किंतु नौकरी में बड़ा पद भी दिलाता है। तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार में किसी पद पर आसीन होकर कार्य करने के अवसर मिलेंगे। हाँ, इस समय स्वास्थ्य को लेकर पीड़ा रह सकती है। दोस्तों, मेहनत एवं प्रयत्न से सफलता प्राप्त होती है यह सही नहीं है। कुंडली में शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो मुश्किल से मुश्किल कार्य हो जाते हैं, इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। जय गुरुदास।